फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज अर्चालक और अर्चालकों के मध्य संधि, ठीक है, पीएन संधि के बारे में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक आवश्यक जानकारी दे दूँ कि अब हम लोग जो है कुछ यूपीटेट सीटेट वगैरह के मॉडल पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके कोई भाई बहन, बड़े भाई बहन अगर जो है सीटेट या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी उसे देख करके, कुछ मॉडल पेपर टाइप से ही होंगे, जिससे उनको कुछ पता चल पाए कि वो कितना पढ़ रहे हैं या क्या। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो उनसे कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने बाकी दोस्तों को भी सजेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों से मतलब स्टार्टिंग हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप ही लोगों के ज़रिए पहुँचेगा लोगों तक, तो आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीएन संधि के बारे में देख रहे हैं। जब पी वाई अर्चालक और एन वाई अर्चालक बहुत ही सीमित क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, जब नहीं है यहाँ पे पी और वाई अर्चालक, ठीक है, पी और एन टाइप जो हैं ये ज़्यादा बहुत ही सीमित क्षेत्रों में यूज़ किए जाते हैं एमओएस ट्रांजिस्टर्स में। अतः हम प्रयोग और धारा चालन के दृष्टिकोण से दोनों सेमीकंडक्टर को एक दूसरे में उचित अनुपात में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। अनुपयोग और धारा चालन के दृष्टिकोण से दोनों सेमीकंडक्टर्स को एक दूसरे में उचित अनुपात में अपमिश्रित किया जाता है। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, ठीक है। जब पी टाइप वायर चालक को एन टाइप वायर चालक सेमीकंडक्टर में, ये एस और सी जो लिखा हुआ है इसको सेमीकंडक्टर समझेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बता के रखा है, ठीक है। इस प्रकार अपमिश्रित करते हैं कि प्राप्त क्रिस्टल संरचना अपनी परिसीमाओं पर सतत बनी रहे। तो प्राप्त क्रिस्टल संरचना पीएन संधि कहलाती है। इसे पीएन संधि डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड या क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। आपसे पूछ दे पीएन संधि डायोड क्या होता है, आपसे कह दे सेमीकंडक्टर अर्चालक डायोड क्या होता है, आपसे कह दे क्रिस्टल डायोड क्या होता है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। और दो तीन नंबर में पूछा जाएगा तो मतलब भर का है, ठीक है, क्योंकि पीएन संधि के दोनों क्षेत्रों क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोडों की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ये दो इलेक्ट्रोडों को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पी टाइप है सेमीकंडक्टर, ठीक है, और ये एन टाइप है, और ये डोपिंग करा रहे हैं, ठीक है, बिफोर डोपिंग, और आपको दिखा देते हैं ये पूरा, ये आफ्टर डोपिंग, ठीक है। जब डोपिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा, ये जंक्शन है, संधि बन रही है आफ्टर डोपिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले भी इसी टाइप से बना लेना, बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पी एन टाइप संधि, जब पी टाइप को एन टाइप में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या क्रिस्टल जैसी सीमाएं, क्रिस्टल जैसी एक संरचना प्राप्त होगी, उसी को क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि और अर्धचालक डायोड कहते हैं या क्रिस्टल डायोड कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से अगर आप लिख देंगे वहाँ पेपर में तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा। अब क्या क्रिया होती है ये देख लेते हैं। जैसे ही ये पीएन संधि का निर्माण होता है तो संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों में उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। देखिए आपसे जिस टाइप से पूछा जाए, अगर ये बड़े में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, छोटा आता है तो आप कम लिखिए, चित्र बना दीजिए, ऐसे ही बढ़िया से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही एक पीएन संधि का निर्माण होता है तो संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों में उच्च सांद्रण क्षेत्र, मतलब उच्च सांद्रण क्षेत्र का मतलब है कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगी, ठीक है, जिधर ज़्यादा होंगे उधर से कम वाले की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, तभी संधि का निर्माण ही होगा, ठीक है। गतिमान होने की प्रवृत्ति होती है, चूँकि हम जानते हैं पी क्षेत्र में क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मीन्स प्लस वाला, ये जो प्लस रीजन बना है मतलब ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इधर क्या है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है माइनस, ठीक है। बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जिससे समान द्रव्यमान और आवेश समान किंतु विपरीत होता है, अतः वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जाते हैं। वे संधि पर एक दूसरे से समान किंतु विपरीत आकर्षक बल द्वारा परस्पर मिलकर उदासीन हो जाते हैं तथा अपने अचलनशील आयनों, ठीक है, पी एन क्षेत्र के दाता और पी क्षेत्र के ग्राही अणु के संधि के निकट जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा क्या है, जब यहाँ से आपका आपको पता है कि लो कंसंट्रेशन से सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे,
तो जब ए प्लस वाला माइनस वाले से मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, आपको पता है प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, ऐसे ही प्लस माइनस जितने मिलते जाएंगे वो सब न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस इधर वाले इधर आए, इधर वाले इधर गए, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे ये इधर से आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जंक्शन प्लस वालों ने बना दी, और जब ये इधर से इधर जा रहे हैं तो ये माइनस वालों ने बना दी, तो यही जो बनती है यही पीएन संधि कहलाती है, ठीक है। तो बस आपको चित्र याद रखना है, इसी को पढ़ के कहना है कि आप जानते हैं कि जो है अधिक अधिक सांद्रण क्षेत्र से उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, तो जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षित होते हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों जो है पी एन टाइप पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक मिल करके उदासीन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाते हैं, और इस टाइप से आपके जो है अपने एन टाइप में दाता आयन और पी टाइप में ग्राही आयन संधि के निकट, ग्राही मीन्स ये होते हैं ग्राही जो निगेटिव होते हैं, इन्होंने लेके रखा है, पॉजिटिव मीन्स ये दाता होते हैं दे देते हैं, ठीक है। लुईस अम्लचार आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसी से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। अब अवक्षय परत ये जो बनी है, ये जो संधि बनी है ये अवक्षय परत, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। जब उपयुक्त पुनर्संयोजन संधि पर प्राप्त होता है तो संधि के निकट धनात्मक दाता एन, ठीक है, संधि के धनात्मक दाता एन ये रहे, ठीक है, ये वाले, ठीक है, धनात्मक दाता एन और ये ऋणात्मक ग्राही एन, ठीक है। तो संधि के निकट धनात्मक दाता आयन पी क्षेत्र के निकट ऋणात्मक ग्राही आयन एक परत प्राप्त हो जाती है, ठीक है। संधि के निकट पी और एन क्षेत्रों में संपूर्ण परत को अवक्षय परत कहते हैं। इसे अवक्षय परत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित होने के पश्चात आवेश वाहकों का अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना रुक जाता है। जैसे ही ये मतलब एज अ बैरियर काम करेंगे, जैसे ही ये परत आ जाएगी इधर के इधर नहीं जा पाएंगे, इधर के इधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, तो ये बैरियर का काम करेगी, ठीक है। तो आपको बस ये चित्र याद हो, आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है, एक बार चित्र को देख करके अपने माइंड से लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको बता दिया है, सिंपल से लिखेंगे दो तीन बार या तो फिर वीडियो सुन लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। इस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र या आकाशीय आवेश क्षेत्र भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकाशीय आवेश क्षेत्र क्या है, या आकाशीय आवेश क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही बस लिखना है, ठीक है, सिंपल सा। जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो एन क्षेत्र के जो है ऋणात्मक ग्राही एन, पी क्षेत्र के दाता एन, संधि एक जो है अवक्षय परत का एक परत का निर्माण करते हैं, और इस परत को ही अवक्षय परत कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। विभव प्राचीर क्या होता है, विभव प्राचीर देख लेते हैं अब हम। तो ये विभव प्राचीर का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसे भी देख लें। यहाँ पे वी बी इक्वल टू लिखा हुआ है वी एन प्लस वी पी। देखिए आप ही लोगों के लिए वीडियो होता है, तो आप लोगों को शेयर नहीं, बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल शेयर करना है सभी लोगों के साथ में, और बहुत कम लोग ही सब्सक्राइब करते, भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते, तो ऐसा भाई क्यों है, देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, आप ही को फ़ायदा होगा। अवक्षय परत की चौड़ाई सामान्यतः माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर में होती है। अवक्षय परत में धनात्मक दाता आयन और ऋणात्मक ग्राही आयन एक इस निश्चित स्थान से अलग अलग आवेशित आयनों के कारण विभव प्रदर्शित करते हैं। ये विभव परस्पर विपरीत प्रकृति के होते हैं, क्योंकि आवेशित आयन परस्पर विपरीत प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार आवेश वाहकों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित हो जाता है, यह विभव प्राचीर कहलाता है। इसे वीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये साइज जो लिखा हुआ है सिलिकॉन पीएन संधि डायोड के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम पीएन संधि डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। जो सिलिकॉन होता है वो पीएन संधि के लिए कितना होगा, 0.7 वोल्ट, सिंपल, ये भी आप याद रखिए, मान लो ऑब्जेक्टिव हो गया तो आप ये आ सकता है। जर्मेनियम का 0.3, फिलहाल यही न्यूज़ निकल करके आ रही है कि आपके दो पेपर जो है सब्जेक्टिव होंगे और एक पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ताकि और लोग भी समझ पाएँ, कि आप लोग अभी बैठे रहेंगे सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव होगा, लास्ट में पता लगा सब्जेक्टिव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब कोरोना वरोना इतना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपका यूनिवर्सिटी कोशिश करेगी कि पुराने पैटर्न पे वो वापस आ पाए, ठीक है। तो वो इस बार अगर कराती है ऑब्जेक्टिव ना करा करके सब्जेक्टिव कराती है, तो आप लोग जो इस बार इतने अच्छे अच्छे नंबर मिल गए हैं वो अगली बार मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है थ्योरी में नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर सबको मिले, जिनको मिले हैं अच्छे मिले, नहीं मिले तो बिल्कुल बेकार से मिले, ठीक है। तो वो सबकी जो है कमांड अलग अलग है कि कैसा क्या कर पाते हैं। फिलहाल अगर जो है आपका सब्जेक्टिव हो गया तो जो अभी से नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो बिल्कुल वो हो जाएगा, समझ लीजिए। तो इसलिए आपको साथ ही में मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो केवल बहुत बहुसंख्यक आवेशवाहक ही पर्याप्त ऊर्जा के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को पार कर पाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम की अशुद्धि आपको पता है मिलाते हैं, तो जो कुछ कम ही होते हैं जो इस एनर्जी लेवल को पार कर पाएंगे, बाकी सब यहीं पे रुक जाते हैं। तो इसे ही विभव प्राचीर बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये अवक्षय परत की चौड़ाई और विभव प्राचीर का व्यंजक आपसे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर करेंगे उम्मीद करते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जो बच्चे रेगुलर देखते हैं या करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।